हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। तो सबसे पहले मेरे ओर से हमारे सभी फ्रेंड्स को हैप्पी दिवाली। आप लोग खूब खाओ, एंजॉय करो, दीप जलाओ, नए नए कपड़े पहनो और खुशियाँ मनाओ। तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, ये जो आज हम लोग ये जलाएंगे फुलझड़ी, तो इसका जो तार बच जाता है उससे मैं आपको बताऊँगी कि आज इस फुलझड़ी से मैं दिए में जलाने वाले बाती को कैसे तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिया जो कि हम लोग रंगोली पर जलाते हैं या भगवान के आगे में जलाते हैं, तो आज मैं इसी फुलझड़ी से आपको बाती बना के दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको दिखाती हूँ कि बाती बनाना कैसे है। तो जब हम लोग फुलझड़ी जला लेते हैं तो कुछ इस प्रकार का इसमें से तार निकल जाता है, तो आज इसी तार से आपको बाती बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ कॉटन, तो ये आपको बहुत आसानी से मार्केट में बहुत सस्ता में मिल जाएगा। और अभी आज के दिन दीपावली के दिन या एक दिन पहले आप बाती लेने जाओ तो वो काफ़ी महंगी पड़ती है, महंगा मिलता है। तो ये मैं नहीं कहती कि आप बाती लेके मत आओ, आप ले सकते हो। और यदि आप घर में बनाना चाहते हो ज़्यादा मात्रा में तो इस तरह से बना सकते हो। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से रुई का टुकड़ा ले लेती हूँ, क्योंकि दिया का जैसा साइज है वैसा ही बाती बना रही हूँ। आप ज़्यादा बड़ा दिया में जलाना चाहते हैं तो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करेंगे। और ये मैं ली हूँ तार, तो आपको ध्यान रखना, मैं कोई भी कूट वाला कॉपी आप ले सकते हैं, तो मैं बड़े वाली कॉपी का इस्तेमाल यहाँ पर कर रही हूँ। तो यहाँ पर किनारे में इस रुई को रखना है और ऐसे रखना है। तो यहाँ पकड़ने का जगह थोड़ा बाहर की ओर रखिएगा और इसे क्या है, हथेली से इस तरह से इसे ससार दीजिएगा, इस तरह से इसे हल्का सा इस तरह से कर देना है, रगड़ देना है। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा बाती एकदम टाइट बाती बन के तैयार हुआ। देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत सुंदर ये बाती बन के तैयार हुआ है। तो इसे मैं इस तरह से डाल के और दिए में डाल दूंगी और इसमें तेल भर के आराम से जलाऊंगी। जितना टाइम तक इस दिया को आप जलाइए आपकी बाती बिल्कुल भी जल के ख़त्म नहीं होगी। और आप एक्स्ट्रा बाती भी बना के रख सकते हैं, इतना सा ही रुई में आप बहुत सारा 100 बाती बना के रख सकते हैं और सारे दिए में जला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स ले ली हूँ इतना सारा दिया और सारे दिए का बाती मैं घर में ही बनाऊंगी। तो यहाँ 4 मुख वाला भी दिया, 5 मुख वाला दिया, इसमें भी आप डाल सकते हैं और घर में बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर भी कीजिए। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई बातों के साथ। थैंक यू।